पेड़ एक प्राकृतिक चमत्कार है और मानव जीवन के लिए अमूल्य उपहार भी है। पेड़ ही वह चीज है जो ग्रह पर सभी जीवित चीजों को अस्तित्व प्रदान करता है। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। पेड़ इंसानों को न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि भोजन और आश्रय भी देते हैं। पेड़ की जड़ हो या तना, पत्ते हो या फिर फल और फूल, सब कुछ इंसानों के लिए अहम है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब पेड़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर आता है ड्रैगन ब्लड ट्री। पहली नजर में यह पेड़ विशाल छाते की तरह या दूर से एलियन जैसा दिखाई देता है। इसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है और यह यमन के सोकोट्रा में देखने को मिलता है। नंबर दो पर आता है बाओबाब ट्री। ये बाओबाब ट्री मेडागास्कर, अफ्रीका, अरब और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इनकी शाखाओं पर लगभग 9 महीने तक पत्तियां नहीं आती है। नंबर तीन पर आता है सैंडबॉक्स ट्री। अमेजन वर्षावन और नॉर्थ तथा साउथ अमेरिका में मिलने वाले सैंडबॉक्स के पेड़ को जीवन के लिए खतरनाक माना जाता है। इसे डायनामाइट ट्री भी कहा जाता है। नंबर चार पर आता है सिल्क कॉटन ट्री। देखने में ये सिल्क कॉटन ट्री इतने शानदार होते हैं कि आप इनसे अपनी आंखें नहीं हटा सकते। बेहद लंबे और दूरी में फैले हुए इन पेड़ों की घुमावदार जड़ें जमीन के अंदर की जगह ऊपर तक फैली हुई होती है। नंबर पांच पर आता है क्रूक्ड फॉरेस्ट। पश्चिमी पोलैंड के ग्रिफोनो सिटी के पास पाए जाने वाले क्रूक्ड फॉरेस्ट दरअसल मूल रूप से अजीबोगरीब आकार वाले देवदार के पेड़ हैं। यह जंगल रहस्यों से भरा है और कोई इसके बारे में अब तक सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया है। नंबर छह पर आता है बूजम ट्री। बहुत से लोग आज भी यह नहीं समझ पाते कि बिजली के खंभे जैसा और कभी कभी तो बेहद घुमावदार लंबा सा बूजम ट्री आता कहां से है। इन अनोखे और प्रभावशाली पेड़ों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर सात पर आता है बोटल ट्री। यह अद्भुत पेड़ दक्षिण पश्चिम अंगोला, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी बनावट को देखते हुए इसका नाम बोटल ट्री रखा गया है क्योंकि इसके फूले हुए तने किसी बोटल की तरह दिखाई देते हैं। नंबर आठ पर आता है अंटार्कटिक बीच ट्री। अंटार्कटिक बीच ट्री ऑस्ट्रेलिया के विश्व विरासत वाले क्षेत्र गोंडवाना के वर्षावन में मिलते हैं। आकार में ये बेहद विशाल और लंबे होते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये पेड़ ईसाई धर्म के जन्म, रोमन साम्राज्य के उदय और पतन के समय भी ये पेड़ मौजूद थे और अब आधुनिक युग में भी आपके सामने उसी तरह से हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।